नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर चरथावल में आज भारतीय किसान यूनियन की बड़ी महापंचायत का आयोजन किया गया। किसान नेता चौधरी नरेश टिकैत खुद पहुंचे। कई घंटों तक किसान नेता नरेश टिकैत और किसान यूनियन के पदाधिकारी अधिकारियों का ज्ञापन लेने के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन जब अधिकारी महापंचायत स्थल पर नहीं पहुंचे कई घंटे के धरने के बावजूद भी, तो चौधरी नरेश टिकैत ने ऐलान कर दिया चरथावल से मुजफ्फरनगर कूच का। ऐलान है कि मुजफ्फरनगर में डीएम कार्यालय पर अब किसान पहुंचेंगे, अपनी बात अधिकारियों के सामने रखेंगे। तो चौधरी साहब, क्यों मजबूर होना पड़ा आपको इस फैसले पर? नहीं, एक तो बताओ, हम तो हमारी तो अपनी ऐसी बेइज्जती हो रही है यहाँ से इस जिले में। प्रशासन का हमने हमेशा सहयोग करा और हर कोई भी सरकार रही हमारा सम्मान पूरा है, सरकार में हमारी पूरी बेइज्जती है। जो हमारे पदाधिकारी है या किसान है उनके अनदेखी इतनी हो रही, कहीं किसी की सुनाई नहीं तो क्या करे। तो ये बात नहीं, तो थोड़ा ये बात है भाई, जो हमारी जायज बात है, हम कोई सरकार को प्रभावित नहीं कर रहे, कोई यहाँ से कोई चुनावी सभा नहीं है, कुछ नहीं, ना हम किसी पार्टी का झंडा लगा रहे। आखिर को ये हमें भी दबा के तो क्या करेंगे भाई, हमें गिरफ्तार कर लो, हमारे पे जो कुछ भी धारा बैठते हो में लगा कर बस अपना इस जिले को कुकर भी कर लो, जिस तरह से भी इनका जी करता हो, किसके सहारे पर ये काम हो रहा, ये कहने में हमें कोई फरेज नहीं है। हमारे आगे शिखंडी खड़े कर रखे, बस इसमें सब समझ लो, इसी में वो बात है, वो ठीक रहे। बात तो सिर्फ इतनी थी कि भाई आपकी मांगे थी, आप अधिकारियों को उन मांगों से संबंधित ज्ञापन देने वाले थे, ऐसा तो कुछ था नहीं कि भाई आप कोई मांग आपकी पूरी जब तक नहीं होगी आपका आप भाई महापंचायत चलती रहेगी। एक तो बताओ, यू यह बाढ़ आई एक महीना एक डेढ़ सवा महीना पहले, कितने फसल बर्बाद होगी, तबाह होगी कितनी फसल, कितना नुकसान होगा, और इसमें कम से कम इनकी उसका पैमाइश करवा के उसका वो करवा के क्या किसका क्या बैठे, सरकार की बहुत लंबी हाथ है सरकार के, सरकार इतने बड़े उसे सरकार ही झेल सके, तो कहीं कुछ हुआ है ही नहीं बातचीत, क्या करे। बिजली का इतना बुरा मामला हो रहा, गन्ने के भुगतान के है, गन्ने का नए प्राय सत्र शुरू होता हो रहा, गन्ने का रेट की बात है, बिजली का बेलगाम मामला हो रहा, तो क्या करे, कब तक मुँह सहन करते रहेंगे। जो किसी में कुछ कमी हो वे सहन कर लेते होंगे, हमारे में कोई कमी नहीं है, किसानों की आवाज उठा रही, हर सरकार ने बात सुनी हमारी, और वार्ता भी हुई, सफलता भी मिली, और इस सरकार में तो बिल्कुल इतनी तानाशाही होगी, इसमें कुछ भी हो सके इस जिले में, इस तरह की बात इन्होंने आना दी, कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं भाई, कम से कम बात तो सुने, बस हमारे पर लाठी चार्ज करवो, ये हमें जेल में घेरो, हम इस तरह तो चुप कुकर बैठ जाएंगे। नेशनल हाईवे है, इन पे एक यहाँ से पीने में इस तरह की वाह हो रही बातचीत, यहाँ में वही तो मांग रहे, पूरी मांग रहे भाई, हम यहाँ से मरण लग रहे, तो पूड़ की बात है, उसमें भी राजनीति, कहीं कुछ भी बात हो सब बात तुम्हें राजनीति से थोड़ा है, हमें तो बिल्कुल एक आतंकवादी से मान लिया जाने भाई, तो संगठन तो आतंकवादी है। दो दिन पहले आप लोगों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला राकेश टिकैत जी ने महापंचायत की बूढ़ा मिल में, और अब तालाबंदी का भी ऐलान आप लोगों को करना पड़ा। पिछले साल उसी मिल पे आपने जब आत्महत्या की चेतावनी दी, उसके बाद भुगतान किसानों को मिला? नहीं, वो तो चलो, उसमें हमने यही कहा था भाई आत्महत्या जैसी वो नौबत आ जाएगी मारी, हमने उन्होंने कहा था कि वाह हम आत्महत्या कर लेंगे, ऐसा एक मील पर आत्महत्या कर गए तो सब पूरा प्रदेश चपेट मारा, ऐसी कुछ नहीं बात है, आत्महत्या क्यों करेंगे, हम ऐसा घिनौना काम नहीं करते। अब आप मुजफ्फरनगर जा रहे हैं, क्या अब आगे के आंदोलन की रणनीति रहेगी भाई? एक तो बताओ, अधिकारी आ रहे, ये वहां भी आ जाते, बातचीत हो जाती, ऐसी कोई बात नहीं, हमने हमेशा प्रशासन का सहयोग करा, कुछ भी बात हो, खुब्बापुर कांड हो या कोई वो हो, जहाँ से जिस तरह की बात है, हमने हमेशा प्रशासन का सहयोग करा, बड़ी बहुत घटना तो बचा दिया यू जिला, ये हमारी जिम्मेदारी है का सारी, ऐसा कम से कम सुनाई तो, ये तो इस तरह की बदले की भावना तो काम कर रही, हमारे पर आ जाने का इस जिले में बिल्कुल निराश जाने का, चाहे कोई कुछ भी बात हो, कुछ भी नौबत आनी पड़ो, तो एक हम अपनी वही बता रहे, हमें जेल में डाल दो, और 2024 का चुनाव होगा उस तो बाद में छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे तो हम वही, हमारा तो शरीर वही पूरा हो जाएगा, देखो हम तो इतने परेशान हैं, बिल्कुल हकीकत बता रहे, हम सच्चे दिल तो बता रहे, हमें कोई वो नहीं है।
अधिकारी जो मनाने आपको पहुंचे हैं यहाँ पे, क्या उनकी सुनवाई होगी या आप डीएम कार्यालय पे रुकेंगे? ये अधिकारी तो इन जिलों के नेताओं की बहू बन रही, खामा खा के और सारी बात को आ गई। जो कोई भी एक दो आदमी यहाँ से कर रहा बात, उन्हीं की चल रही, ये नहीं चलेगा। बातचीत करो ढंग से और एक अच्छा प्रशासन चलाओ, इसी में ठीक रहे बातचीत। चौधरी साहब, आप डीएम आवास पे रुकोगे या अभी अधिकारियों से वार्ता के बाद कोई फैसला? नहीं, हम तो यहाँ भी बात कर लेंगे, हमें क्या कुछ जीते है, कुछ अखबार कोई ऐसी बात है वहां से तो हम करेंगे, इसमें सोचेंगे कुछ। इसमें भी सुलह मशवरा करके वहां से उसमें कॉलेज में मीटिंग कर रहे हम जल्दी, इसमें सुलह मशवरा करके तो उसमें जो जीआईसी मैदान है, बड़ी महापंचायत होगी कोई? हाँ, उसमें बड़ी महापंचायत करेंगे, उस बिना नहीं रहा जाने का। तो बड़ा ऐलान चौधरी नरेश टिकैत ने कर दिया है। अधिकारी जब महापंचायत स्थल पर नहीं पहुंचे तो उन्होंने मुजफ्फरनगर कूच का ऐलान कर दिया। हालांकि बीच में एसडीएम पुलिस अधिकारी यहां पहुंचे, उन्होंने चौधरी टिकैत को मनाने की कोशिश की है। अभी वार्ता होगी, उसके बाद क्या फैसला होगा। लेकिन एक बड़ा ऐलान चौधरी नरेश टिकैत ने कर दिया है कि अब मुजफ्फरनगर में जल्द ही एक बड़ी महापंचायत जीआईसी के मैदान में होगी। काम को अधिकारी करता है, बता दे बैठो।